अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 130। और आज के लेसन में हम बॉल बेयरिंग ड्रॉ करना सीखेंगे और देखेंगे हम बॉल बेयरिंग को 3D में किस तरह बनाते हैं, इसमें रिवॉल्व कमांड एंड एरे कमांड का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेसन में प्रैक्टिकल नंबर 29 है, मैकेनिकल जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए, उनमें आज के लेसन में हम प्रैक्टिकल नंबर 29 करेंगे। इसमें एक न्यू ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है बॉल बेयरिंग। तो उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। आज के लेसन में हमने ये चीज़ ड्रॉ करनी है, देख सकते हैं बॉल है, बेयरिंग्स हैं जो गाड़ियों में टायर्स वगैरह पे यूज़ किए जाते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह पे यूज़ किए जाते हैं ये बॉल बेयरिंग। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे काम करना है, तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे गाइडलाइंस को ख़त्म करता हूँ, तो उसके लिए अब 7 प्रेस करूँगा। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए और से 30 एंटर कर देता हूँ। इसका ऑफसेट लेता हूँ O एंटर, 30 इसका ऑफसेट लेता हूँ। इसके बेड पॉइंट से कोल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, और इसके मिड पॉइंट से एक स्मॉल सी लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर। इसको उठाता हूँ, उठा के इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे इसको यहाँ तक लेता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, आर ई सी एंटर, और जो रेक्टेंगल होगा वो एट द रेट उसकी डायमेंशन 5, 5 एंटर। मूव करता हूँ इसको, एम इंटर, इस पॉइंट से मूव करता हूँ इसके मिड पॉइंट में यहाँ पे ले आता हूँ, एल इंटर करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी इंटर, और डायमेंशन को देता हूँ 2। ओके, अब जो काम करना है उसमें यह है कि मैं इसमें ट्रिम करता हूँ कुछ एरिया को। ओके, एक और काम करते हैं कि यहाँ से ना, यहाँ से लाइन को O एंटर करके 1 का ऑफसेट दे देते हैं ऐसे यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक। ओके, आप कुछ एरिया को ट्रिम करते हैं, टी आर डबल इंटर इसको ट्रिम करते हैं। यहाँ से जो ट्रिम करते हैं एरिया जी, ये करते हैं ट्रिम, ये करते हैं ट्रिम, यहाँ से इसको 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 कुछ एरिया हम ट्रिम करते हैं। ओके, यहाँ तक ये ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद एक और काम करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, अब जो काम करना है उसमें इसको भी डिलीट कर दें और इस लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दें, टी आर डबल इंटर। अब जो काम करना है वो ये है कि इस लाइन को भी बेशक अब डिलीट कर दें। ओके, अब काम ये करना है कि यहाँ से इसका थोड़ा सा ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक O एंटर करता हूँ और इसका ऑफसेट मैं लूँगा यहाँ से 0.1 एंटर करता हूँ, देखता हूँ नॉर्मल सा ऑफसेट लेना, 0.05 करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल O एंटर, 0.05 एंटर करता हूँ, नॉर्मल सा ऑफसेट लेना है। ओके, अब यहाँ पे काम करने के बाद अब इसको आप क्या करें कि इस लाइन के साथ आप इसको जोड़ दें। यस, इसको इस लाइन से जोड़ने के लिए आपने यहां पे कौन क्या करना है, कौन सी कमांड यूज करनी है, एक्सटेंड, ई एक्स
एंटर, डेस्टिनेशन पॉइंट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें, सॉरी स्पेस प्रेस करें और इसको सिलेक्ट करें, नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करें, ओके यहाँ पे इसके जो फालतू एरिया उसको डिलीट ट्रिम कर दें, ओके अब अपने एक और काम करना है कि यहाँ पे अपने रिवॉल्व कमांड यूज करनी है, रिवॉल्व REV एंटर सिलेक्ट करें इसको। तो सिलेक्ट करने से पहले आपने एक और काम करना है कि आप इसमें यहाँ इन सब को आप रीजन कर लें, रीजन के लिए REG एंटर सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस कर लें तो ये रीजन हो गया। अब आप रिवॉल्व कमांड यूज करें REV एंटर, इसको सिलेक्ट करें स्पेस और इसको इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक रिवॉल्व कर लें, ओके अब इन दोनों को रिवॉल्व करना है तो उसके लिए आप फिर दोबारा REV एंटर इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके स्पेस और ये जो लाइन मैंने दी थी इस लाइन में आप इसको रिवॉल्व कर दें, इस लाइन से इस लाइन तक स्पेस। तो आई थिंक हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे देखने के लिए आप क्या करें, मूव करें थोड़ा सा 3D में, आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है जी, इसको आप डिलीट कर दें, देखें यहाँ पे तो आपके पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है। आप इसको 2D वायर फ्रेम की जगह आप यहाँ पे ये इलास्टिक पे लेके आए तो अब देखें आपके पास एक बेयरिंग ड्रॉ हो चुका है, ओके अब अपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप यहाँ पे इसका मिड पॉइंट भी आपके पास सामने है तो आप यहाँ से सिर्फ बैक की जगह फ्रंट पे लेके आए, यहाँ से टॉप में जाएं और यहाँ से फ्रंट पे क्लिक करें, फ्रंट पे लेके आए, ओके अब अपने जो काम करना है वो क्या करना है, आप एरे कमांड यूज करनी है, AR एंटर एरे, आप अपने इस बॉल को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, पोलर एरे लें और इसको मिड पॉइंट से आप इसको पोलर दे दें, तो नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे कम है तो नंबर ऑफ आइटम यहाँ से आप बढ़ा दें, तो मैं इसके नंबर ऑफ आइटम 10 करता हूँ, ओके तो आपका जी ये देखें बॉल बेयरिंग रेडी हो गया, देखें कितने इजी मेथड से हमने एक बॉल बेयरिंग भी ड्रॉ कर लिया, देख सकते हैं। कलर चेंज करने हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट करें लेयर बनाएं और कलर में उसमें ये वाला कलर उसमें दे दें, जैसे कि मैं यहाँ से लेयर बना लेता हूँ, यहाँ पे कुछ लेयर बनाता हूँ, लेयर प्रॉपर्टी में जाके और यहाँ पे क्रिएट लेयर टू लेयर बनाता हूँ, एक लेयर को कलर यहाँ से देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर दे देता हूँ ये वाला कलर देता हूँ, दूसरी लेयर को कलर देता हूँ यहाँ से ये वाला, ओके और यहाँ से आप इसका कलर चेंज करके आप यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से लेयर वन में मूव कर लेता हूँ, देखें कलर चेंज हो गया, ओके बॉल को सिलेक्ट करके तो इसको लेयर नंबर 2 में ले जाता हूँ, या फिर आप इसको सिलेक्ट करें इसको और इसको सिलेक्ट करके लेयर वन में ले जाएं, लेयर 2 में ले जाएं और यहाँ से बॉल को सिलेक्ट करें और इन बॉल को लेके लेयर 2 में लीजिए चले जाए, नेक्स्ट जो लेयर है लेयर में चल जाए, तो देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है, बैरिंग ड्रॉ हो चुका है देखें, ओके अच्छा एक और काम कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देखें इसमें इसके जो कॉर्नर है थोड़ी शार्प हैं तो इनको ख़त्म करने के लिए आप फिलेट कमांड यूज़ करें, एफ एंटर करें, रेडियस के लिए आर एंटर करें और रेडियस को दे दें 2 या फिर 1 दे दें, इसका ये कॉर्नर सेलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करके देखता हूँ, दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें तो यहाँ से देखें थोड़े राउंड हो गए, अब ये बहुत ज़्यादा राउंड हो गए तो ख़त्म करें इसको, नॉर्मल से राउंड करना है तो आप दोबारा फिलेट एफ एंटर करें, रेडियस के लिए आर एंटर करें और फिलेट दे दें आप इसको 0.5 एंटर, सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से इसको स्पेस, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूँ, देखें थोड़े से हमारे पास राउंड हो गए, ओके अब यहाँ से इसको भी करना चाह रहे हैं तो इसको भी कर सकते हैं, बॉटम वाले को मैं करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए दोबारा मैं फिलेट एफ एंटर सेलेक्ट करें, सॉरी एफ एंटर, रेडियस के लिए आर एंटर, तो रेडियस सेलेक्ट किया 0.5 स्पेस, इसको सिलेक्ट करता हूँ स्पेस और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो हम पास देखें ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।